नमस्कार, जय स्कर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार की ओर से शनिवार तथा रविवार को वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की। पालना में शनिवार को ब्यावर शहर के बाजार बंद रहे। कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए शनिवार को पुलिस तथा प्रशासन की टीमों ने मोर्चा संभाला। हालांकि एक दिन पूर्व की राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणा के कारण शहरवासियों ने भी सहयोग किया, जिसके कारण बाजार में दिन भर आवाजाही कम ही रही है। बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं यथावत चालू रही। उधर आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में सरकार की ओर से किराने की दुकानों को भी शामिल किया गया था, जिसके चलते बाजार में सभी किराना व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। साथ ही भेरूजी के खेजड़े के आसपास प्रतिदिन की भांति सब्जी वालों ने अपना डेरा जमा लिया, जिसके कारण संबंधित क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ गई। कर्फ्यू होने के बावजूद बाजार में लोगों की आवाजाही बढ़ने की जानकारी के बाद डिप्टी हीरालाल सैनी मय पुलिस जाब्ते के बाजार पहुंचे तथा किराने वाले की दुकानों को बंद करवाया। साथ ही सड़क पर बैठे सब्जी वालों को भी वहां से खदेड़ते हुए रविवार को भी वहां नहीं बैठने के लिए पाबंद किया। उधर पुलिस द्वारा किराने की दुकानों को बंद करवाने से नाराज व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे तथा अपनी नाराजगी जताई। एसडीएम से मुलाकात के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि राज्य सरकार के निर्देशों में किराना को छूट दी गई है, फिर भी पुलिस जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रही है। इस पर उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों से समझाइश करते हुए कर्फ्यू को सफल बनाने तथा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इसे आवश्यक बताते हुए सहयोग की अपेक्षा प्रकट की। इस दौरान एसडीएम राम प्रकाश ने बताया कि रविवार को फल व सब्जी की दुकानों को भी सुबह 10 बजे तक ही अनुमति होगी तथा शहरी क्षेत्र के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी दुकानें बंद करवाने के लिए एंटी कोविड के सदस्य काम करेंगे। इस पर व्यापार मंडल के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति जताई। उपखंड अधिकारी से मुलाकात करने वालों में संजय किया, प्रदीप बोहरा, सोहन लाल बोहरा, रामू भूतरा, बबलू पालीवाल, विकास गर्ग आदि शामिल थे। उधर मेवाड़ी गेट बाहर स्थित फल सब्जी मंडी एसोसिएशन ने भी रविवार को अपना कारोबार बंद रखने का फैसला लिया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिन भर पुलिसकर्मी शहरी क्षेत्रों में गश्त करते रहे। राजस्थान सरकार द्वारा जो अभी शनिवार और रविवार का लॉकडाउन किया गया था, उसके तहत आवश्यक सेवाओं में निर्देश ये आए गए थे कि किराना, फल फ्रूट, सब्जी, दूध, दही की दुकानें खुली रहेंगी। और कल प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया था कि ये दुकानें खुली रहेंगी, पर सुबह जब आज व्यापारियों ने दुकानें खोली, उसके बाद अभी अचानक पुलिस प्रशासन आया और उसने बाज़ार बंद करवाया। तो अभी सभी व्यापारियों ने इकट्ठा होकर एसडीएम साहब से मुलाकात करी और उनसे निवेदन करा कि जो भी आपका निर्णय हो, एक निर्णय हो और एक दिन पहले कम्युनिकेट हो। अगर लॉकडाउन है तो व्यापारी वर्ग पूरा आपके साथ है। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए हमारे से जहाँ तक संभव होगा हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एसडीएम साहब ने भी इस बात को माना और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि बाजार बंद होगा तो पूरा बंद होगा, मेन मार्केट बंद है और आउटर खुला है ऐसा नहीं होगा, बंद होंगे तो सभी बंद होंगे। और इस बारे में एसडीएम साहब द्वारा अभी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ब्यावर उपखंड में शुक्रवार सवेरे से बादल छाए रहे और दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और हवाएं चलने लगी। देर रात को एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया और देखते ही देखते अचानक बरसात शुरू हो गई। नींद के आगोश में सो रहे शहरवासी अचानक हुई बरसात के कारण जाग गए। तेज बौछारों के साथ हुई बरसात के कारण सड़कों पर पानी बह गया। उधर बरसात के दौरान बिजली गुल हो जाने से शहरवासियों की नींद में खलल पड़ गया। रात के समय हुई बरसात के कारण मौसम खुशगवार हो गया, जिसका असर शनिवार सुबह तक रहा। शनिवार सुबह तक मौसम के खुशगवार होने के कारण लोगों को उमस से राहत मिली, लेकिन शनिवार को दोपहर बाद एक बार फिर से मौसम में गर्मी का असर दिखाई दिया। देश प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे चलते राज्य सरकार ने सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रोडवेज मुख्यालय ने प्रदेश के रोडवेज प्रबंधक को निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब आगामी आदेशों तक वाहन में यात्रियों के मध्य उचित दूरी रखते हुए उपलब्ध सीटों का अधिकतम 50% ही यात्री बैठाए जाएंगे। इसके अलावा वाहन में कोई भी यात्री पान, गुटखा, बीड़ी व सिगरेट का उपयोग नहीं करेगा। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उधर मुख्यालय से मिले आदेशों के पालना में शनिवार से ब्यावरागार से विभिन्न स्थानों की ओर जाने वाली रोडवेज बसों में 50% यात्री वाली व्यवस्था को शुरू कर दिया गया, जिसके तहत सभी मार्गों पर जाने वाली बसों में एक सीट छोड़कर एक सीट पर ही यात्रियों को बैठाया गया। इस दौरान ब्यावर डिपो प्रबंधक एमएल मीणा ने समस्त चालक परिचालकों को पाबंद किया है कि वे बसों में क्षमता के 50% से अधिक यात्रियों को ना बैठाया जाए। इसके साथ ही चालक परिचालकों को अन्य सभी दिशा निर्देशों की पालना करने को लेकर भी पाबंद किया गया है। मुख्यालयों से मिले आदेशों के
तहत राजस्थान से बाहर जैसे आने वाले यात्रियों राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा आरंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा बसों के सैनिटाइजेशन, चालक परिचालक के लिए मास्क, ग्लव्स व सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी होगा। राजस्थान सरकार और मुख्यालय के आदेश अनुसार समस्त स्टाफ को पाबंद कर दिया है कि गाड़ियों के अंदर सीट की जो कैपेसिटी है उसका 50% ही पैसेंजर बिठाए जाए। पैसेंजर के अंदर नो मास्क नो एंट्री, समस्त स्टाफ को पाबंद कर दिया इस संबंध में कि वाहनों को सैनिटाइज किया जाए। वाहन जब वर्कशॉप में एंट्री करेगी तो सैनिटाइज होगी, वर्कशॉप से बाहर जाएगी तो सैनिटाइजेशन होना जरूरी है। वाहन का प्रत्येक 4 से 5 घंटे के अंदर किसी भी क्षेत्र में गाड़ी जाती है उस डिपो से सैनिटाइज करवा देना अनिवार्य है। बिना मास्क किसी भी पैसेंजर को अलाउ नहीं किया जाए, सभी चालक परिचालक मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से AKS सहित अन्य वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन शनिवार को AKS सहित अन्य वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन ही देरी से पहुंचे, जिसके कारण सेंटरों पर पहुंचे लोगों को इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे बाद सभी सेंटरों पर वैक्सीन पहुंचे, जिसके बाद टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया। जानकारी मिली है कि शनिवार को अजमेर से ही ब्यावर को करीब 11 बजे वैक्सीन प्राप्त हुई। वैक्सीन प्राप्त होने के बाद चिकित्सालय प्रशासन की ओर से सभी सेंटरों पर वैक्सीन भिजवाई गई, जिसके बाद काम शुरू किया गया। शहर के टारगेट रोड इस सिटी डिस्पेंसरी इस सेंटर पर भी सुबह सुबह वैक्सीन नहीं होने के कारण लोगों को इंतजार करना पड़ा। शनिवार को सभी सेंटरों पर प्रथम तथा द्वितीय डोज के टीके लगाए गए। ब्यावर शहरवासियों के लिए एक राहत की खबर है कि अब बहुत समय से जो कोविड शील्ड के लिए दूसरी डोज के लिए हमारा ब्यावर शहरवासी इंतजार कर रहे थे वो आज प्राप्त हो चुकी है और 3 सेंटर्स पे आज हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें शहरवासी आगे बढ़कर आ रहे हैं। और अभी तक का जो मेरे पास डेटा है वो 700 के करीब हम लोगों ने टीकाकरण कर दिया है। कल भी इसी प्रकार प्रथम डोज और द्वितीय डोज दोनों लगाई जाएंगी और इसी प्रकार आगे सोमवार तक। अब कोविशील्ड की कमी नहीं रहेगी जैसा कि हमें राज्य सरकार से पता लगा है, और इसलिए शहरवासियों से निवेदन है कि जो अभी तक वंचित रह गए हैं टीकाकरण से वो टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे और अपना जो टीकाकरण की खुराक है समय पर ले लें। धन्यवाद। मैं शलभ टंडन, कोविड इंचार्ज ब्यावर। उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने शनिवार को उपखंड कार्यालय में एंटी कोविड टीम के सदस्यों की बैठक ली। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी ने टीम सदस्यों के साथ वर्तमान में कोरोना संक्रमण पर चर्चा करते हुए टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा प्रगति रिपोर्ट ली। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी ने टीम सदस्यों को एक बताया कि अब उनके कार्य का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। सभी टीम सदस्यों को पूर्व के काम के साथ साथ अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लोगों की सैंपलिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन करवाने में भी सहयोग प्रदान करना है, साथ ही होम आइसोलेट लोगों की निगरानी भी रखनी होगी। उपखंड अधिकारी ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए आवश्यक है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों की जल्दी से सैंपलिंग हो। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी ने 5 और टीमों का गठन किया, जिसके बाद शहर में एंटी कोविड की 10 टीमें हो गई। एंटी कोविड टीम के सभी सदस्य बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने, बिना मास्क वालों के खिलाफ चालान की कार्यवाही करने के साथ साथ अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन के कोरोना पीड़ित लोगों के संपर्क वालों की सैंपलिंग भी करवाएंगे, साथ ही क्षेत्रवार वैक्सीनेशन के लिए भी तैयारी करेंगे। बैठक में SDM राम प्रकाश, नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह, शलभ टंडन, हरिराम लखन, KC मीणा, सुपरवाइजर संजय शर्मा, कपिल शर्मा, राजेंद्र प्रजापति, राकेश कुंदन मल, निर्मल रमेश, ओम प्रकाश, रामलाल नारायण, सामाजिक संगठनों से सतीश गर्ग, गजराज आचार्य, सुलक्षणा शर्मा, संजय पारासा तथा बाबूलाल आदि शामिल थे। शहर में बढ़ते हुए कोरोना का देखते हुए हमने जो एंटी कोविड टीमें थी वो उसको 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया। एवं हमने आज जो उनके सुपरवाइजर होते हैं उनकी बैठक की और हमारा फोकस आज की बैठक का था कि जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं पहले तो उनके होम आइसोलेशन इंश्योर करना है, और दूसरी चीज़ जो उनके उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनसे जितने भी लोग संपर्क में आए हैं उनकी सैंपलिंग करवाना, ताकि जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ा जा सके और उनका समय पर सैंपल लेकर उनकी जांच की जा सके।
राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय में शनिवार को कोविड कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के सानिध्य में आयोजित बैठक में चिकित्सकों, कार्मिकों तथा कोविड में लगे सभी कर्मचारियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान उपस्थित सभी ने वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करते हुए आगामी समय को दुष्कर बताते हुए अस्पताल में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं को चाक चौबंद रखने पर चर्चा की। इस दौरान शहर में बढ़ रहे संदिग्ध कोरोना रोगियों को एक बड़ी चिंता बताते हुए उनके उपचार के लिए एक अतिरिक्त वार्ड की आवश्यकता जताई। इस पर पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने अस्पताल के मेल मेडिकल वार्ड को संदिग्ध कोरोना रोगियों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि उक्त वार्ड में वर्तमान में 30 बेड तैयार है और ऑक्सीजन सप्लाई की लाइन भी है। पीएमओ ने कोरोना संक्रमण के दौरान मेडिसिन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी की आपूर्ति को सुनिश्चित रखने के लिए संबंधित कर्मचारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि संक्रमण के इस दौर में कर्मचारियों की जरूरत बढ़ सकती है, अतः वे इसके लिए भी तैयार रहे। आज हमारे अस्पताल की कोविड कोर कमेटी की बैठक हुई। उसके अंदर निर्णय लिया गया कि मेल मेडिकल वार्ड को संदिग्ध कोविड पर मरीजों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसमें लगभग 30 बेड उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन लाइन इसमें अवेलेबल हैं। तो जितने भी संदिग्ध जो पेशेंट होंगे कोविड के, उनको वहाँ भर्ती किया जाएगा। साथ में सभी जो व्यवस्थाएँ उनका जायजा लिया गया और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के बारे में, मैनिपोल्ड के बारे में और जनरेशन प्लांट के बारे में चर्चा की गई कोविड के लिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर थोड़ा कठिन समय हो सकता है, इसलिए ऑक्सीजन की व्यवस्था में परिपूर्ण रखनी पड़ेगी। दवाइयों की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी, इसके बारे में बात हुई। और इससे भी ज़्यादा जो भी शायद आने वाले समय के अंदर कोविड के मद्देनजर हमको OPD को क्लब करना पड़े, वार्ड्स को क्लब करना पड़े और स्टाफ को हमको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़े। आने वाला समय कठिन है, इसलिए निवेदन है कि अपनी सुरक्षा स्वयं रखें ताकि कोविड महामारी से हम लोग सब बच पाएँ, गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने का। शहर में शनिवार को एक केस सिटी डिस्पेंसरी तथा ESI हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। शनिवार को सभी केंद्रों पर पहले डोज के साथ साथ दूसरे डोज का टीका भी लगाया गया, जो कि विगत कई दिनों से उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं लगाया जा रहा था। शनिवार को एक प्रशासन को दूसरी डोज का टीका उपलब्ध होने के बाद वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान शहर के कई प्रमुख लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंचकर टीके लगाए तथा शहरवासियों को इसके लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने सपत्नी के केस स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वयं तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य रूप से करवाएं, साथ ही दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। इसी प्रकार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जोशी एवं पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश जिंदल ने भी ESI चिकित्सालय पहुंचकर टीका लगवाया। सिटी थाना पुलिस ने शनिवार को वीकेंड कर्फ्यू में गश्ती के दौरान शहर के सेंधा रोड श्री हॉस्पिटल के बीच स्थित जागृति नगर के खाली भूखंड से 19 पेटी अवैध देशी व अंग्रेजी शराब बरामद की है। SI विजय सिंह के नेतृत्व में की गई कार्यवाही के दौरान इस मामले में एक आरोपी सुरेंद्र सिंह पुत्र शंकर सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बरामद की गई शराब में 8 पेटी बियर, 8 पेटी विभिन्न किस्म की अंग्रेजी शराब तथा 200 पवे देशी शराब के शामिल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। शहर के राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय की ओर से जाने वाले प्रमुख मार्ग सहित स्थित शनि मंदिर के पास विगत 2-3 दिनों से पानी की पाइपलाइन लीकेज हो रही है। लीकेज से रात दिन बहता पानी सड़कों पर फैल रहा है। अस्पताल जाने का मुख्य मार्ग होने के कारण यहां पर दिन भर भारी संख्या में लोगों की आवाजाही बनी रहती है, जिसके कारण लोगों को सड़क पर फैल रहे पानी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी यहां से गुजरते वाहनों के कारण पानी उछलकर दुकानों के बाहर बैठे रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। दुकानदार आशीष कुमार सोनी ने बताया कि दिन भर लोगों की आवाजाही होने के बाद भी जलदाय विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिन भर शहर के अधिकारियों का आना जाना रहता है, लेकिन इस ओर उदासीनता बढ़ती जा रही है। हमारे जल विभाग के अधिकारी लोगों ने कुछ प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई रखी है। तो यहाँ अमृतकोर के यहाँ आए दिन पानी रहता, अभी पाइपलाइन टूटी हुई, 2 दिन से कोई अपने कार्य को शुद्धिकरण नहीं देना चाह रहा सरकार द्वारा, और जो भी अधिकारी आते हैं कुछ ध्यान नहीं देते हैं, देख के चले जाते हैं अपने स्थान पर से। 3 दिन हो गया ये जल ऐसे बेरा अमृतकोर के, इधर मरीज आते हैं, कई गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, किसी का 5-4 जनों का एक्सीडेंट हो चुका सुबह से।
कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। शनिवार को राज्य के अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को 2 दिन के सैंपल्स की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। चिकित्सालय को प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े प्राप्त हुए हैं। आंकड़ों में एक साथ 115 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से अधिकांश शहरी क्षेत्र के हैं। एक साथ ही इतनी बड़ी तादाद में पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन एवं चिकित्सालय प्रबंधन की नींद उड़ गई है। फिलहाल सभी मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को एक के सैंपल्स जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाई, ऐसे में बड़ी संख्या में सैंपल जांच रिपोर्ट पेंडिंग हो गई। शनिवार को एक प्रशासन को 2 अलग अलग हिस्सों में सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें सुबह प्राप्त हुए 361 रिपोर्ट सैंपल्स की जांच में 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि दोपहर के समय प्राप्त हुई 274 में से 80 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के मरीज शामिल है। पॉजिटिव मरीजों में भीम, पिसांगन, मसूदा, पाली सहित जवाजा क्षेत्र के रोगी शामिल है, जबकि शहर में मुख्यतः सेंधा रोड, अजमेर रोड, मसूदा रोड, कॉलेज रोड, नरसिंहपुरा रोड, जालिया रोड तथा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोग शामिल है। शहर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां से पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आए हैं। एसडीएम राम प्रकाश, पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, कोविड-19 प्रभावित सुलभ टंडन ने शहरवासियों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। अगर निकले भी तो मास्क जरूर पहनकर निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे तथा कोरोना गाइडलाइन सहित अन्य नियमों की पालना करे। उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भामाशाहों की ओर से लगवाई गई प्याऊ लंबे समय से बंद पड़ी है, जिसके कारण अस्पताल में आने वाले रोगियों तथा परिजनों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शहर के भामाशाहों की ओर से किए गए सहयोग का भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। मालूम हो कि वर्तमान में गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और मौसमी बीमारियों के रोगी भी बढ़ रहे हैं। साथ ही कोरोना जांच के लिए भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग सैंपल्स देने के लिए एकेश पहुंच रहे हैं। इस दौरान जब कोई भी प्यासा अस्पताल परिसर में इसे प्याऊ पर पानी पीने के लिए पहुंचता है और जब प्याऊ के नल से पानी नहीं टपकता है तो उसे मायूसी ही हाथ लगती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्याऊ बंद है, अस्पताल परिसर में लगी करीब 4-5 प्याऊ की यही स्थिति है। वर्तमान हालात ये है कि अधिकांश प्याऊ पर पानी पीने के लिए लगाई गई टोंटियां भी टूट चुकी है। मालूम हो कि एकेच परिसर में शहर की भामाशाहों की ओर से आजाद बालचर जल वाटिका, डेरिया जल मंदिर तथा महावीर जल वाटिका बनाई गई है, लेकिन एकेच प्रशासन की उदासीनता के कारण इनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। ये 18 में सफाई हुई है ना, तो इस सफाई का ध्यान देते हैं ना, इसमें कोई पानी आ रहा है ना, एक भी टूटी लगी हुई है। और गर्मी का मौसम है और अंदर भी कुछ प्याऊ है लगा, जो प्याऊ है प्रशासन द्वारा, हॉस्पिटल प्रशासन से, वो प्याऊ भी उसमें भी पानी तो आ रहा है लेकिन ठंडे पानी की व्यवस्था वहां भी नहीं है, ठंडा पानी नहीं आ रहा है। कईयों के फ्रिज खराब पड़े हैं, एक बार प्याऊ है उसके अंदर टूटी में करंट आ रहा है। मतलब प्रशासन प्याऊ की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जस्ट DDC जो काउंटर है उस काउंटर के जस्ट पास में प्याऊ है ये, लेकिन यहाँ भीड़ भी रहती है लेकिन किसी को पानी पीने की सुविधा के हिसाब से यहाँ एक भी टूटी वगैरह कोई चालू नहीं है। ये मेरा निवेदन है कि अस्पताल प्रशासन को ऐसी प्याऊ वगैरह और गर्मी के माहौल में ध्यान देना चाहिए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु वीकेंड कर्फ्यू की पालना में बंद रहे बाजार, पुलिस तथा प्रशासन की टीमों ने संभाला मोर्चा। शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर देरी से पहुंची वैक्सीन, करीब 1 घंटे बाद शुरू हुआ वैक्सीनेशन। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन की निगरानी भी करेगी एंटी कोविड टीम, कंटेनमेंट जोन के लोगों की सैंपलिंग भी वैक्सीनेशन में भी करेगी सहयोग। ब्यावर उपखंड में कोरोना संक्रमित का शतक, 635 सैंपल्स की जांच में मिले 115 कोरोना संक्रमित।